गूगल न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। महासमुंद से इस वक्त का बड़ा मामला सामने आया है। रेलवे ट्रैक पर मिली भाई बहन की लाश प्रेम प्रसंग में जान देने की आशंका। महासमुंद जिले में भाई बहन की रेलवे ट्रैक पर लाश मिली है। दोनों को आखिरी बार गांव में आयोजित भंडारे के कार्यक्रम में देखा गया था। इसके बाद से दोनों का कुछ पता नहीं चला। कुछ समय बाद दोनों की मौत की खबर सामने आई है। दोनों दूर के रिश्ते में भाई बहन थे। आशंका जताई जा रही है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते दोनों ने जान दी है। फिलहाल कोमा खान पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक सिवनी कला निवासी लोकेश्वर पुरानिक पहले से ही शादीशुदा था। लोकेश्वर और रिश्ते में उसकी 16 साल की बहन शुक्रवार शाम को गांव में आयोजित भंडारे पर दिखे थे। यहां भंडारा भागवत कार्यक्रम के बाद आयोजित किया गया था। बताया गया है कि दोनों को यहीं पर आखिरी बार देखा गया था। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुँचे थे। कार्यक्रम के बाद सब अपने अपने घर चले गए, मगर ये दोनों का कुछ पता नहीं चला। इस बीच देर रात कुछ लोगों ने गांव से गुजरे रेलवे ट्रैक पर दोनों की लाश देखी। इसके बाद पुलिस को भी इस बात की सूचना दी गई। बाद में पुलिस ने आसपास के लोगों के जरिए पता लगाया, तब दोनों के शव की पहचान हो सकी। अगले दिन दोनों के शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टि में यह मामला आत्महत्या की लग रही है। हम परिजनों से पूछताछ कर रहे हैं। वहीं गांव वालों ने दोनों के बीच प्रेम प्रसंग होने की बात कही है। हालांकि पुलिस ने भी अभी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अभी जाँच जारी है।